हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ काले चने की रेसिपी। तो आइए चलते हैं इसे बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने 1 कप चना लिया है। इसे हम 7-8 घंटे के लिए छोड़ देंगे इसी तरह ढककर। चने को फूले हुए 7-8 घंटे हो गए हैं। देखिए, ये अच्छी तरह फूल चुके हैं। अब इसे हम कुकर में एक पानी ले लिया है। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे। मैं 1 चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ। अब इसे गैस में हम चढ़ाएंगे और 4 सीटी लगने के बाद इसे उतार देंगे। फ्रेंड्स, जो ये पानी बचा हुआ है चने का, इसको फेंकना नहीं है। छौंक लगा के आप इसको बच्चों को पिला सकते हैं या फिर ये किसी सब्जी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना थोड़ा घी लिया है। एकदम थोड़ा सा घी आपको लेना है। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मटर डालेंगे। ये हम ऊपर ही इसको भी डालेंगे। अब हम इसमें ये चने को भी ऐड कर दे रहे हैं। फ्लेम हमें स्लो रखनी है। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ी सी नमक भी ऐड कर रहे हैं। ये जो मैंने नमक डाला है, ये सीधा नमक है। इसे भून लिए हैं मैंने। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। सारे चने बाउल में निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। मैंने इतना छोटा टुकड़ा नींबू का लिया है। ये रेसिपी उनके लिए है जो फास्टिंग रहते हैं, जो व्रत में रहते हैं, वो इसमें प्याज मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च है, थोड़ा सा धनिया पत्ता है और आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आप उस पर कैसा खाना चाहते हैं। मूंगफली चने की इवनिंग स्नैक्स तैयार है।